हाय, सो सबसे पहले आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि मुझे मेरा थर्ड लिवॉन सुपर मॉडल बैच नहीं मिला. आज दीक्षा थी सुपर मॉडल स्कोर बोर्ड के सबसे टॉप पे. आई एम रियली हैप्पी फॉर हर क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. आई एम लाइक सुपर हैप्पी, बट वो अभी मेरी कंपटीशन है. हम दोनों के पास दो दो बैचेस है, तो लेट्स सी कि कौन फिनाले से पहले बैच ले सकता है, मतलब थर्ड बैच. आई रियली वांटेड इट, आई डेस्परेटली नीडेड इट, बट मैं सेकेंड थी स्कोर बोर्ड पे. सो लेट्स सी, रन प्रिपेयर अगर मैंने अच्छा किया तो लेट्स होप कि मुझे मिलेगा. एंड मेरा आज का बहुत अच्छा था. दे लव माय पिक्चर एंड दे लव द पिक्चर आई चूज. बट अनुषा मैम ने कहा कि मतलब बेटर होना था अगर मैं अपनी आर्च वाली फ़ोटो चूज़ करती. बट मैंने वो इसलिए चूज़ नहीं किया था बिकॉज मुझे लगा था बहुत सारी लड़कियों के साथ सिमिलर हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी लड़कियों ने वही पोजेस के साथ चूज़ किए थे पिक्चर जो मैं चूज़ करने वाली थी. सो आई एम ग्लैड कि मैंने कुछ अलग चूज़ किया एंड आई वॉज इन सेकेंड इन द सुपर मॉडल स्कोर बोर्ड. सो इट्स अ यू नो हैप्पी थिंग फॉर मी. सो या यस, द बिगेस्ट मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी है, वी आर इन टॉप फोर. हमारा नेक्स्ट रनवे के बाद हम टॉप थ्री हो जाएंगे. आई एम रियली होपिंग कि मैं हूँ वो, मैं पहुँच जाऊँ टॉप थ्री पे. आई एम लाइक अभी आई एम वेरी हैप्पी. बट दीक्षा शी वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैं बहुत मिस करेंगी उसको. तो बाहर जाके हम मिलेंगे. बट या फॉर नाउ आई एम लाइक हैप्पी फॉर ऑल द गर्ल्स एंड मी मायसेल्फ. या तो अभी हम लोग सब अपना परफॉर्मेंस देखे, अपना स्कोर बोर्ड देखे और अपना लिबॉन सेकेंड बैच लेके मैं वापस आई हूँ. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो मैंने फ़ोटोग्राफ चूज़ किया था मुझे तो बहुत पसंद आया था, लेकिन यार सबको डाउट था कि जजेस को पसंद आएगा या नहीं. तो मैं खुश हूँ कि उन लोगों को पसंद आया. मनेका मैम ने मुझे सिर्फ चार दिया, लेकिन फिर भी आई एम हैप्पी क्योंकि यहाँ वो मैम का पॉइंट भी एकदम वो स्ट्रॉन्ग था. तो आई एम हैप्पी कि मेरी दो बैचेस फाइनली आई गॉट इट, इतना हार्ड वर्क इतना पेशेंस के साथ. तो आई एम वेरी हैप्पी. यस, एंड आई एम वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स ऑल्सो. पापा मो सेलेक्ट भयो है, म टप फोरमा पुगिसकेँ, तपाईँ अब मलाई फाइनल टप थ्रीमा हेर्नुहोस् है. सो आई एम सो हेप्पी. थ्याङ्क यू एभ्री वान फर सपोर्टिङ मी. आइ एम सो 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 हेप्पी. तो अभी हम टप फाइभ से टप फोर हो चुके हैं. तो थोड़ा दुख भी है क्योंकि इतना कम लड़कियाँ है अभी आसपास में. पहले तो इतना रश होती थी, यहाँ जाना है इससे जहाँ जाना है, लेकिन अभी थोड़ा कम है. और सब कंपटीशन इतना टफ हो गया है क्योंकि एक के ईच वन ऑफ देम आर वेरी टफ, आर वेरी यूनिक. सो अभी यहाँ तक पहुँची हूँ तो ऑब्वियसली मेरे में भी कुछ बात होगी, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. तो आगे भी मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी और थर्ड बैच लेने की पूरी ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीक पे.